हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ में एक इफेक्ट जो है शेयर करने वाला हूं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो क्या वो इफेक्ट है, कहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज करना है, आज की वीडियो में उसी पे जो है बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ, क्या वो इफेक्ट है। सो जो इफेक्ट है उसका नाम है हीट रेडिएशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सो ये इसका लिंक है डाउनलोड करने का। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ। तो ये प्रोडक्शन क्रिएट द्वारा बनाया गया है और ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसका नाम है यहाँ पे क्रिएट हीट रेडिएशन ऑन आफ्टर इफेक्ट प्लगइन, और ये फ्री में आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है। सो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड करने के लिए। और इस प्लगइन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे जो है डेवलपर ने दे रखी है कि ये क्या जो है इफेक्ट है। इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो है हीट का जो है रेडिएशन को इंक्रीज करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए एक जो है प्लगइन जो है क्रिएट कर रखा है। सो यहाँ पे जाके आप उसके बारे में ओवरऑल देख सकते हैं कि क्या क्या है, जो जो उसमें ऑप्शंस हैं उससे क्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इसने सैम्पल इमेजेस भी यहाँ पे डाल रखी हैं क्रिएटर ने। सो यहाँ पे आपको उसके जो भी इस रेडिएशन के इफेक्ट में पैरामीटर्स लगा रखे हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो यहाँ पे आप उसको जाके डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको एक exe फाइल दिखेगी कुछ इस तरीके से। सो इसको आपको जो है रन कर लेना है, ये विद इन 15 to 20 मिनट्स में इंस्टॉल हो जाएगी। ये वाली फाइल जो है आपके विंडोज़ के लिए हो, जो dmg फाइल है वो आपके मैकबुक के लिए होती है। सो इंस्टॉल यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कर लीजिएगा। जैसे हम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए आप एक न्यू कंपोजिशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको जो भी इमेज चाहिए आप उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्स की इमेज ले रखी है, वीडियो ले रखा है बेसिकली। सो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो अभी क्योंकि ये हमारे जो हमने सीक्वेंस लिया है उससे थोड़ा सा छोटी इमेज है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एस दबाएंगे तो आपके यहाँ पे स्केलिंग आ जाएगा। तो स्केलिंग में मैं इसको 200% कर देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए स्क्रीन के ऊपर में। ये देखिए फिट हो गया है। दोबारा से एस दबाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करना है हमको, अपने इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है हीट। सो ये देखिए ये जो डेवलपर का नाम है यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन क्रिएट, और ये जो है उसका आपका जो है इफेक्ट आ गया है क्रिएट हीट रेडिएशन। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हीट की जो है इंटेंसिटी जो है बढ़ गई है, नॉर्मल इतनी नहीं थी अब जब बढ़ गई है। तो इसको जो है हम लोग कुछ ऐसे अगर सीन्स है हमारे पास में, लाइक ब्लास्ट का सीन है या कुछ उस टाइप का, उसमें इसको यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देगा, सबसे पहला ऑप्शन आपको सोर्स का दे रहा है, तो इसने बाय डिफॉल्ट लूमा लिया है तो आप बाय डिफॉल्ट लूमा रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं बाय डिफॉल्ट लूमा रख लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर का, इसने 400 रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी सीन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में। ये आपका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के, जो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जो ऑप्शंस है ये है आपका टेम्परेचर ऑफसेट का। ये ओवरऑल आपके जो है सीन के उसके ऑफसेट को बढ़ाने के लिए है कि आपको ओवरऑल अगर पूरे पूरे क्लिप के ऊपर में कुछ बढ़ाना या कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए है ये वाला ऑप्शंस। और ये जो गामा यू है आपका जो है बेसिकली इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आप इससे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये डेवलपर ने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रखे हैं, अगर आप जाके यहाँ पे देखेंगे। सो ये देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शंस में यहाँ पे दे रखा है डेवलपर ने, जिसने भी इसको बनाया है। ये देखिए मैक्स टेम्परेचर के बारे में उसने बता रखा है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफसेट के बारे में बता रखा है, गामा के बारे में बता रखा है कि क्या क्या है। गामा है, येलो इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे। अगर आपको एक पर्टिकुलर येलो को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये प्लगइन है, आप इसको जो है डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूज कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया है, और बाकी मैंने आपको जैसे बता दिया है कि यहाँ पे उसने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, अपने प्लगइन को बेसिकली पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या ये प्लगइन है और कैसे इसको यूज करना है। आप भी वहाँ पे जाकर के इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए।